एक बैग, एक मोबाइल, मोबाइल जो पहले ही फॉर्मेट हो चुका था, एक जोड़ी चप्पल, खून से सने कागज के कुछ पन्ने। इन्हीं पन्नों पर अपने जाने की वजह लिखकर 16 साल के रचित ने सबको अलविदा कह दिया। सुबह माँ का फोन आया था, तब उसने कॉल रिसीव नहीं की बल्कि मैसेज से जवाब दिया कि शाम को बात करेगा। माँ शाम के वक्त फोन का इंतजार करती रही, ना कोई कॉल आया और ना ही बेटे की कोई खोज खबर। बेटे की तलाश में 9 दिन लग गए। जब पुलिस प्रशासन हिम्मत हार चुका था, तब उसके पिता ने हार ना मानकर तलाश जारी रखी और अपने बेटे को ढूंढ निकाला। ढूंढा भी कैसे, बदबू का पीछा करते करते। आज तक के सहयोगी चेतन गुज्जर ने इस मामले पर विस्तार से रिपोर्ट की है। राजस्थान का कोटा, हर साल अलग अलग शहरों से तकरीबन 2.5 लाख बच्चे कोटा IITG और नीट की तैयारी करने आते हैं। कुछ कामयाब होते हैं और बाकी नाकामयाब। कामयाबी का सपना लिए 16 साल के रचित भी पिछले साल मध्य प्रदेश के ब्यावरा से कोटा आए थे। जैसा कोटा पहुंचने वाला हर बच्चा करता है, वैसा ही रचित ने भी एक हॉस्टल में कमरा लिया और कोचिंग ज्वाइन कर ली। रचित का मन पढ़ने में कम लगता था। उसके कमरे से मिले एक लेटर में इसका जिक्र भी है। उसने लेटर में लिखा था कि मैंने कभी कॉपी किताब नहीं खोली, मैं केवल मोबाइल फोन पसंद करता था, मैं पढ़ाई के बारे में हमेशा झूठ बोलता था। झूठ बोलना उसे शायद अब भारी लगने लगा था। तभी वो 11 फरवरी के दिन कोचिंग बताकर हॉस्टल से निकला और फिर कभी वापस नहीं लौटा। आखिर क्या हुआ था 11 फरवरी के दिन? उस दिन रचित तकरीबन 11 बजे अपने हॉस्टल से कोचिंग बताकर निकला था। 12:30 बजे के आसपास माँ का फोन आया, उसने फोन काट दिया, बाद में बात करने का मैसेज कर दिया। शाम को फिर से माँ ने फोन मिलाया तो रचित का फोन स्विच ऑफ था। सुबह तक बात नहीं हो पाई, घर वाले घबरा कर कोटा पहुंच गए। पता चला कि रचित 11 फरवरी की दोपहर से लौटा नहीं है। कोचिंग वालों ने बताया कि रचित कोचिंग नहीं आया था। पुलिस कंप्लेन हुई, रचित के कमरे का ताला तोड़ा गया। कमरे की टेबल पर एक नोटबुक रखी थी, उस नोटबुक के पन्ने खून से सने थे। उसी के एक पन्ने पर लिखा था, ट्राइंग टू गो फॉरेस्ट गरडिया महादेव टेम्पल। यहीं से मिले सुराग के बाद पुलिस ने गरडिया महादेव मंदिर के आसपास तलाश शुरू कर दी। मंदिर के पास जंगल है और उसी के नीचे चंबल नदी बह रही है। गरडिया महादेव मंदिर में टिकट विंडो पर लगे CCTV कैमरे के फुटेज में रचित को एंट्री टिकट लेते हुए देखा गया। पुलिस को तलाशी के दौरान रचित का बैग, चप्पल, रस्सी और मोबाइल फोन मिला, कुछ और चीजें, लेकिन रचित के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस के साथ SDRF की टीम भी तलाशी में जुटी रही। 8 दिन बीत गए, रचित की कोई खोज खबर नहीं मिली। 9वें दिन रचित के पिता अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ बेटे की तलाश में जंगल के नीचे उतरे। उन्हें एक अजीब सी बदबू महसूस हुई। उन्होंने आगे जाकर देखा तो रचित का शव एक पेड़ के पास पड़ा हुआ था। पिता ने बेटे को गोद में उठा लिया। रचित ने 100 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई थी। शव की जानकारी मिलते ही तुरंत मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई। चंबल नदी में मोटर बोट के जरिए शव को RAC शिवपुरा लाया गया, वहां से एम्बुलेंस की मदद से मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया। रात में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद शव घर वालों को सौंप दिया गया। बीते 25 दिनों में कोटा से आने वाली ये चौथी खबर है। ये स्टूडेंट्स अपने घर वालों से नहीं कह पाए कि वो IIT या नीट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। वो नहीं बता पाए कि इतना प्रेशर उनसे नहीं झेला जा रहा है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस ने उनके बेटे की सही से तलाश नहीं की है। पुलिस प्रशासन तो ऐसे ही देखते हैं, इधर देख लिया, इधर देख लिया। आज का जो फोर्स गया था वो नीचे गया ही नहीं, वो ऊपर जिधर मैदान थे उधर गया, हमारे लोग ही गए सब नीचे। उनको जो लेकर गए थे वहाँ के सीनियर अधिकारी, उनसे बात हुई थी, उनने बोला है कि हमारा जो अमला है ये नीचे नहीं जा पाएगा, ये इतना एक्टिव अमला नहीं है, SDRF नीचे जाती है, ये तो सब ऊपर रहेंगे, अब मैं इनकी रिस्क नहीं ले सकता, इनको कोई खतरा हो जाए जान भर से तो मैं इनको नीचे नहीं भेज सकता। आरोप दिख रहे हैं ना, सामने दिख रहे हैं ना, सब कुछ दिख रहा है ना, जाकर सही से जाँच हो जाती तो मिल नहीं जाता पहले। वहाँ के जो अधिकारी थे उनसे बोला मैं, उनका सर ऐसा कीजिए, आपका जो स्टाफ है, आपका जो फोर्स है, आधा फोर्स हमारे लोगों के साथ नीचे दे दीजिए और हमारे आधे लोग ऊपर हो जाएंगे। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं फोर्स नहीं दे, मैं इनकी रिस्क नहीं ले सकता नीचे, मुझे मेरी जवाबदारी पर लाया हूँ, मुझे इनको वापस लौटाने हैं, नीचे जाएंगे इनको कोई खतरा हो जाएगा।
मैंने कहा ठीक है, ऐसा करिए आप एक दो लोग दे दीजिए जो आपके गन वाले हैं, जिनके पास हथियार है उनको दे दीजिए, तो हमारे लोगों को बाई चांस कहीं खतरा हो तो उनकी सुरक्षा तो कर देंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं एक आदमी को भी नहीं दे सकता आपको नीचे जाने के लिए, अगर आपको नीचे जाना है तो आप अपनी इच्छा से नीचे जाओगे, उसमें मेरी कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। तो उसके बाद आप लोग नीचे गए, तो नीचे गए तो वहाँ पे हमारा बेटा मिल गया हमें। इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कहना है वो भी सुन लीजिए। हाँ जी, जो उधर के घटना के जो जगह है जहाँ पर ये हुआ है, दुर्घटना हुई है वहाँ पर के बालामात भी ऐसे ही है कि वो ऊपर से कूदा है स्वयं और फिर बीच में झाड़ी में और पत्थर पर वो अटक गया था, जहाँ पर जिस वजह से उसकी मृत्यु हुई। तो इसमें जो उसने मैसेज भी कर रखे हैं, जो लिखा भी हुआ है, उससे यही लग रहा है कि वो तैयारी कर नहीं पा रहा था, पढ़ नहीं पा रहा था, इस चीज़ में मानसिक तनाव में था। माता पिता उसको बहुत प्यार करते थे, वो भी अपने परिवार से जुड़ा हुआ था, लेकिन उनको उसको यूँ लग रहा था कि वो उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा, इस वजह से उसने ये कदम उठाया। और 2024 की बात करें तो अभी तक 3 बच्चे लापता हुए हैं, जिसमें से एक का शव अभी 2-3 दिन पहले गरड़िया महादेव में मिला था, उसकी आत्महत्या करने की आशंका है, उस पर जाँच जारी है। एक बच्चे को हमने दस्तियाब कर लिया है, उसके परिजनों के पास है अभी, वो मामा के घर चला गया था वो। और एक बच्चा अभी भी मिसिंग है, जिसके लिए हमने अपनी टीम्स लगाई हुई हैं और टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं और जल्दी हमें आशा है कि हम उसको रिकवर कर लेंगे। अंत में यही परिवार वालों से कहना चाहेंगे कि हर बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनने के लिए नहीं बना है, इसलिए किसी भी एग्जाम की तैयारी करवाने से पहले अपने बच्चे से एक बार पूछ जरूर लीजिए। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। आपके लिए सारी जानकारी जुटाई है हमारे साथी रजत पांडे ने। देखते रहिए दिल्ली टॉप।